हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साप्लानर श्रेणी नवम पिले। आज क्लास तुम्हार अर्थनीतिर गोटे पाठ अच्छे जहाँ नाम हूँ आर्थनीतिक विकास जो भी किसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न तुम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गुरुत्वपूर्ण अटे वीडियो रे डिस्कस करवा। ठीक अच्छे तेल चल अधिक आलोचना करवानी, सीधा साल आम क्लास को स्टार्ट करवा। देख पे एक नंबर क्वेश्चन देला आधारिक संरचना व्यवस्था मध्य निम्नोक्त क्यों शब्द पुंजटी असंपृक्त। ऑप्शन ए देला देख चिकित्सालय, पानीय जल जोगाण, शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा, विद्युतीकरण, जलसेचन, विद्युतीकरण संबल उपयोग, चिकित्सालय ना जलसेचन, विद्युतीकरण, पानी जल जोगाण। आधारिक संरचना व्यवस्था मध्य निम्नोक्त क्यों शब्द पुंजटी असंपृक्त। आंसर पे ऑप्शन सी विद्युतीकरण संबल उपयोग चिकित्सालय। दुई नंबर क्वेश्चन देला क्यों भित्तिर अर्थव्यवस्थार नामकरण कराए ना, कौ भित्तिर अर्थव्यवस्थार नामकरण कराए ना ये चार्टा भितर। संबलर अविचारित व्यवहार आपको आधार करी अर्थव्यवस्थार नामकरण कराए ना। तीन नंबर क्वेश्चन है उदारीकरण नीति को क्यों मसीह प्रोत्साहन दि जाए, 1992 मसीह प्रोत्साहन दि जाए, 2007 मसीह क्यों पंचवार्षिक योजना कार्यकारी हो, 2007 मसीह फटाफट आंसर दि। आंसर पे ऑप्शन डी एकादश पंचवार्षिक योजना कार्यकारी होउछि। आम देश में क्यों खनिज पदार्थ पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध नहीं, कोड़ा नहीं खनिज तैल कोईला बॉक्साइट क्रोमाइट। राइट आंसर होउछि ऑप्शन ए खनिज तैल। निम्नलिखित मधुर केउटी विकासोन्मुखी देश नुहे, आ भितर कोड़ा विकासोन्मुखी नुहे, ब्राजिल, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ऑप्शन बी पे दक्षिण आफ्रिका। क्यों देश में अधिकांश लोक पारंपरिक क्षेत्र में कार्य कर, भारत। क्योंटी निम्न आय वर्गर अटे, केनिया। 2005 मसीहा तथ्य अनुजाई भारत निम्नोक्त क्यों विकास स्तर अंतर्गत, उच्च स्तर अंतर्गत। क्योंटी सूचकर उपादान नुहे, साक्षरता हार, जातीय आय, जन्म समय आयर संभावना, मुंड विचाय। कौटा सूचक उपादान नुहे, जातीय आय सूचक उपादान नुहे। निम्नोक्त क्योंटी अर्थव्यवस्थार मुख्य उद्देश्य नुहे, आ भितर कौटा अर्थव्यवस्थार मुख्य उद्देश्य नुहे, विकास, पुनः नियोजन, दरदाम नियंत्रण, उत्पादन। ऑप्शन डी उत्पादन। जातीय आयर आकलन क्यों क्षेत्र की सहायक नुहे, परिवार, प्रतिष्ठान, समाज, सरकार। ऑप्शन सी समाज। निम्नोक्त मध्य क्यों देशर मुंड पिछा आय अन्य देश तुलन में अधिक, क्यों देशर मुंड पिछा आय अन्य देश तुलन में अधिक, भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। भारत। निम्नलिखित क्यों देशर साक्षरता हार अन्य देश मान तुलन में सर्वनिम्न, बांग्लादेश। निम्नलिखित क्योंटि अर्थव्यवस्थार मौलिक उत्पादनकारी संस्था, प्रतिष्ठान। क्योंटि सेवा क्षेत्र उदाहरण नुहे, बैंक, जोगाजोग, परिवहन, मत्स्यचाष। कोड़ा सेवा क्षेत्र उत्पादन नुहे, मत्स्यचाष। ठीक अच्छे यहाँ हूँ सेवा क्षेत्र उदाहरण नुहे। निम्नोक्त क्योंटि अर्थव्यवस्था असंपृक्त, संगठन, भूमि, बजार, श्रम। ऑप्शन सी बजार। निम्नोक्त मधु क्यों उक्ति ठीक, आय व्ययर तारतम्य संचय कह जाए, धान चाष को उत्पादन कह जाए ना, उपयोगिता को उपग्रह अंत कह जाए, संचय पुंजीगत हुए ना। निम्नोक्त मधु क्यों उक्ति ठीक, ऑप्शन ए आय व्ययर तारतम्य को संचय कह जाए, जी टाँग इनकम कलवा जी खर्च कल तापर जहाँ रहा हूँ आय मान संचय। निम्नोक्त किए समाजवादी अर्थव्यवस्थार जनक, समाजवादी अर्थव्यवस्थार जनक, हिटलर, लेनिन, स्टालिन ना कार्लमार्क्स। कार्लमार्क्स। निम्नोक्त क्यों दशंधि पृथ्वी में उत्कट अर्थनैतिक परिस्थिति सृष्टि होता, क्यों दशंधि पृथ्वी रे उत्कट अर्थनैतिक परिस्थिति सृष्टि होता। ऑप्शन सी पे
1940 मसीह ना 1930 मसीह पाला आई थिंक 1930 मसीह कि अच्छा समस्त टिकेट टिके बही देखिए टिके कन्फर्म हो बुझिपार निम्नोक्त केउटी मुंड पिछा आयर सूचना दिए मुंड पिछा आय जातीय मोट मोट जातीय आय भाई जनसंख्या ना मोट जनसंख्या फेडाण जातीय आय ना मोट जातीय आय गुणा मोट जनसंख्या ना जनसंख्या मिश्रण जातीय आय जातीय आयर जो मोट जनसंख्या हरा जाए से बाहर मुंड पिछा आय तो ऑप्शन ए हम आंसर निम्नोक्त केउटी आर्थनिक विकास सर्त पूर्ण करे ना समस्त शिक्षा स्वास्थ्य नियोजन आदि सुविधा जोगाण जातीय आय मुंड पिछा आय वृद्धि जातीय आयर सुषम बंटन केतक निर्दिष्ट वर्गर लोक मौलिक सुविधा जोगाण ऑप्शन डी केतक निर्दिष्ट वर्गर लोक मौलिक सुविधा जोगाण निम्नोक्त केबे विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास सिटी प्रकाशित होता विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास सिटी प्रकाशित होता ऑप्शन सी 2006 मसीह निम्नोक्त केउटी जातीय आयर आकलन पाई क्षेत्र नुहे कोड़ा जातीय आयर आकलन पाई क्षेत्र नुहे सेवा क्षेत्र आयर अर्थ डेस देशर मोट आय व्यक्ति विशेष मासिक आय अधिक क्रय करिवार शक्ति ना देशर वार्षिक आय आयर अर्थ कौन अधिक क्रय करिवार शक्ति नहीं कि कौनसी देश में उत्पादित द्रव्य और सेवार मुद्रागत मूल्य एवं बहिरागत आय समूह समष्टि को कौन कहा जाए तो तार जातीय आय बोली कहा जाए नेशनल इनकम देशर अर्थनीति क्षेत्र में परिलक्षित होता अभिवृद्धि को कौन कहा जाए देशर अर्थनीति क्षेत्र में परिलक्षित होता अभिवृद्धि को कौन कहा जाए आर्थनैतिक विकास कहा जाए ऑप्शन सी आर्थनैतिक विकास केउटी देशर समस्त लोक आयर समष्टि जातीय आय जो देशर वार्षिक मुंड पिछा आय 435,500 ऊर्ध ताको आम विकसित देश बोली कहवा ऑप्शन डी विकसित देश जीवन धारणर मान अपेक्षाकृत निम्न रही देश को कौन कहा जाए विकास उन्मुखी देश बोली कहा जाए विकास उन्मुखी देश केउटी अर्थनैतिक विकास सर्वाधुनिक परिमापक सूचक मानव सूचक विकास केउटी एक निर्दिष्ट ढांचारे निर्वाहित आर्थनैतिक कार्य अर्थव्यवस्था जीवन धारण करिया पाई द्रव्य और सेवार उपयोग को कौन कहा जाए उपभोग कहा जाए केउटी अर्थव्यवस्था एक मौलिक उत्पादनकारी संस्था प्रतिष्ठान वाणिज्य परिवहन जोगाजोग और बैंक आदि केउ क्षेत्र अंतर्भुक्त तृतीय क्षेत्र जोड़ा को आम सेवा क्षेत्र कौचे केउ क्षेत्र में द्रव्य और सेवार उत्पादन संस्था व्यक्ति विशेष मालिक रही था केउ क्षेत्र द्रव्य सेवार उत्पादन संस्था व्यक्ति विशेष मालिक रही था तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में रही था भूमि उत्पादन करा द्रव्य को कौन कहा जाए भूमि उत्पादन करा द्रव्य को कौन कहा जाए ताको पे कह मौलिक द्रव्य कहीं जो उत्पादन होता अन्य कल कारखाना गोटे र मेटेरियल हिसाब से कंचामल हिसाब से व्यवहार होउ क्षेत्र मध्यम देशर उत्पादित द्रव्यर आमदानी रप्तानी कराए प्रतिष्ठान वैदेशिक क्षेत्र पर समाज वैदेशिक क्षेत्र मध्यम केउ क्षेत्र में उभय व्यक्ति विशेष और सरकार मालिक रही द्रव्य और सेवार उत्पादन संस्था ताको कहु पे मिलित क्षेत्र कहु मिलित क्षेत्र किए समाजवादी अर्थव्यवस्थार जनक कार्ल मार्क्स द्वितीय विश्वयुद्ध पर पृथ्वीर केतक देश में सृष्टि होता जटिल आर्थिक परिस्थिति को कौन कहा जाए ताको पे कह जाए महामांदावस्था बोली कहा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय रेलवे केउ क्षेत्र अंतर्भुक्त भारतीय रेलवे पिला माने सरकारी क्षेत्र अंतर्भुक्त देशर विकास हासिल पाई 1991 मसीहा प्रोत्साहन दि जाऊ नीति को घरकरण ना उदारीकरण ना जगतीकरण ना घर नीति ताकू कौन कहगला ताकू उदारीकरण बोली कहगला लिबरलाइजेशन इंग्लीश रे लिबरलाइजेशन बोली कह जाए ठीक अच्छे।
नेक्स्ट देख देशर मोट जातीय आय को जनसंख्या द्वारा भाग करी केउ आय आकलन करा जाए मुंड पिछा आय आकलन करा जाए केउ क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य जोगाजोग निरापत्ता इत्यादि जोगाई थाए सरकारी क्षेत्र विद्युतीकरण शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा चिकित्सालय जलसेचन पानीय जल जोगाण इत्यादि को इत्यादि व्यवस्था को कौन कह जाए आधारिक संरचना बोली कहुए आधारिक संरचना बोली कहुए कृषि कार्य पर वर्षर अनेक दिन कामधंदा पाइपार न्यक्तिर व्यक्ति क्यों प्रकार बेकार पदवाच्य हुए ऋतुकालीन बेकार पदवाच्य हुए लुहापथर मांगानीज बक्साइट आदि खनिज पदार्थ क्यों संबल अंतर्भुक्त प्राकृतिक संबल अंतर्भुक्त द्रव्य सहित द्रव्यर प्रत्यक्ष विनिमय पद्धति को डेस कौन कह जाए ताकि पण्य विनिमय बोली कह द्रव्य सहित द्रव्यर प्रत्यक्ष विनिमय जहाँ इंग्लीश बार्टर सिस्टम बोली कहला अर्थव्यवस्था मुख्य भूमिका ग्रहण कर आधुनिक अर्थनीति को कौन कह जाए मुद्रा अर्थनीति कह जाए ऑप्शन डी। तो पाने प्रकार आम 50 इंपोर्टेंट प्रश्न वीडियो डिस्कस कले आशा करूँ समस्त को वीडियो भल लगे। थैंक यू सो मच।